Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. अर्चना जी, हर इंसान कोई ना कोई ड्रीम देखता है और खास तौर पे जो भी मुंबई आता है उसका एक सपना होता है कि वो हीरो बने. जैसे हमारी अर्चना जी भी पहले हीरो बनना चाहती थी. नहीं मतलब उस समय चलते थे पहलवान टाइप हीरो. हमने तो ये भी सुना अर्चना जी आपने टार्जन के लिए भी ऑडिशन दिया था. हाँ, फेल हो गई मैं. और फिर इन्होंने ऐसी दहाड़ मारी कि शेर को हार्ट अटैक आ गया. तो फिर गवर्नमेंट की दखल अंदाजी के बाद अहमद बिरजे को लिया गया, ऐसा हमने सुना है. ये अपना दिनेश नहीं है? हाँ. ये मेरे को बोलता है, मेरे को सपना है, मेरे सपने में आलिया भट्ट आई. कहता जैसे ही आलिया मुझे हक करने लगी मैं नीचे गिर गया. मैं कहा दोबारा रिवाइंड कर, तुझे महेश भट्ट साहब ने लात मारी होगी. कि तेरे सपने में जॉन का बटन आया है, तू आलिया भट्ट की बात कर रहा है. दिनेश के तो बड़े किस्से, मैं जितने भी सुनाऊं उतने कम है. जैसे कई कई बार हीरो नहाता ना हीरोइन के साथ झरने के नीचे, है ना, तो आदमी भी सपने देखने लगता है. ऐसे कि हम भी झरने के नीचे नहा रहे हैं. ये सपने देख रहा था दिनेश. इसको लग रहा है कि नहा तो रहा हूं झरने के नीचे लेकिन पानी क्यों गर्म आ रहा है. फिर इसकी आंख खुली तो देखा इसका 2 साल का भतीजा, उसका फाउंटेन चल रहा था. ये दास दादा अपने, इनका सपना एक क्या बोलते, मुझे ना बिकनी वाली जो कैलेंडर गर्ल होती है उनको शूट करना है. दास दादा? लेकिन इनके सपने के बारे में दास दादी को पता चल गया, इनकी वाइफ को. उन्होंने फिर ऐसी अंडर वाटर स्विमिंग कराई ना इनसे, 35 दिन तक बुलबुले छोड़ते रहे ये. लेकिन हटे नहीं, एक बार चले गए थे ये. अच्छा? समंदर में. हाँ. हाँ, उल्टा कर दिया, लड़की को बीच में खड़ा कर दिया, खुद पानी में चले गए. पीछे से डॉल्फिन आई, दास दादा को खींच के ले गई. फिर 5 घंटे तक मिन्नतें करते रहे, कहते मेरा कच्चा तो दे. कुछ लोगों का वर्ल्ड टूर पे जाने का सपना होता है, जाना नहीं होता, उन्होंने खाली ऐड देखते हैं वो. अच्छा. यूरोप 50% वाओ डिस्काउंट, थाईलैंड इतना सस्ता. हाँ. ये वो लोग होते हैं जो दूसरे मोहल्ले तक भी जाना हो ना इनको. हाँ. तो ट्रक पे लटक के जाते हैं. अच्छा जी, आज मैं ड्रीम्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पे फिल्म ड्रीम गर्ल की स्टार कास्ट आ रही है. तो सबसे पहले मैं जिनको यहाँ इन्वाइट करने जा रहा हूँ, इनको आप सही मायनों में जो है वो वर्सेटाइल एक्टर कह सकते हैं क्योंकि ये मुश्किल मुश्किल रोल निभाना पसंद करते हैं. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर आयुष्मान खुराना एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड नुशरत भरूचा. हर खुशी के मौके पे याद रखें बच्चे के मुंडन से लेकर शादी ब्याह तक खुराना एंड भरूचा ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप. क्या बात है, जोरदार तालियां आयुष्मान और नुशरत के लिए. पाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मेरा फर्स्ट टाइम है. फर्स्ट टाइम है आपका, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हाय नुशरत, आप नीचे बताओ, मैं आ जाती हूँ. ध्यान से लड़की तोड़ना देना आप. अरे हग नहीं करना इनको, मेरे में 2 निकलेंगी. नहीं आप पहली बार आए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन्होंने एक बार शक्ति कपूर को टेढ़ा कर दिया था, जोर बढ़ा रहे इनमें. बदमाश है तू. नुशरत, हम कितनी खूबसूरत लग रही हैं. Yes. हमारे शो पे पहली बार आई हैं. जी बधाई हो. डेब्यू, थैंक यू. बेस्ट न्यू कमर अवार्ड. थैंक यू. आज कपिल. आयुष्मान पाजी तो आते रहते हैं हमारे शो पे, आप पहली बार आई हैं. जी. आप चाहे तो 10-11 बार मुझे हग करके कंपनसेट कर सकती हैं. शुरू हो गया. एक दो इतनी दूर से, तीन चार, बस थक गई दूर से. पाजी बस नहीं, हमारी फैमिली फिल्म है ना, हमने उसमें भी दूर दूर से हक किया. यू सी, हमारी फिल्म में एक भी किसी सीन नहीं है. एग्जैक्टली नहीं है. तो यहाँ जो कर रहे थे ऐसे ही है. अच्छा, वो खाली गाने में है. किस था फैमिली फिल्म? दूर से, सॉरी. हमें कोई दूर से भी नहीं करता. पर आयुष्मान पाजी के लिए जोरदार ताली, मेरे भाई को नेशनल अवार्ड मिला है. पाजी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आपके शो पे आए थे हम फिल्म की रिलीज के बाद. आपका शो बहुत लकी है हमारे लिए. सो स्वीट. ऑल द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, इफ यू वांट टू वन नेशनल अवार्ड यू कैन कम हियर. आपको जिस दिन नेशनल अवार्ड मिला इनका बीपी लो हो गया. हाँ, क्यों? सीरियसली कहती, मैं दादा मुनि से लेके अक्षय कुमार तक सबके साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला.
तो मैं आपको बता दूं अर्चना जी, वो नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए दिया जाता है, पेंशन नहीं दे रहे वो। अच्छा कितने लोगों ने अभी तक ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा आप सबने? बहुत ही फनी और बड़ा ही मजेदार ट्रेलर है। मुबारक हो आप दोनों को। आयुष्मान भाजी, ये आप स्क्रिप्ट को लेके ज्यादा एक्साइटेड थे कि लड़की बनने को लेके, कि मैं लड़की बनूंगा? भाजी स्क्रिप्ट को लेके ज्यादा एक्साइटेड। क्या बात है भाजी, वैसे ना मैं कसम से जब से ये ट्रेलर आया ना, मैं इमेजिन करने लगा हूँ आपको ना। कैसे? अरे लड़की के रूप में। आप बहुत सेक्सी हो। एक सेकेंड, आई थॉट आप मुझसे फ्लर्ट करोगे। यहाँ ये कोई भी लड़की अंदर उसके साथ फ्लर्ट करेगा। हमारा देखो, हम हैं मौकाटेरियन लोग। एक होता ना वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हमें मौके के हिसाब से बदल जाते हैं। आप तो दूर दूर से हक कर रही हैं हमें, ऊपर से बाहर बारिश नहीं रुक रही, तो उस हिसाब से। उस हिसाब से नुसरत पाजी आइए प्लीज। नुसरत, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपके नाम का मतलब क्या है? इट मीन्स कि कुछ अच्छा स्प्रेड करना, या तो अ गुड प्रेयर या गुड टीचिंग या समथिंग गुड लोगों में बांटना, स्प्रेड करना। बहुत प्यारा नाम है आपका और बड़ा अच्छा मतलब है। थैंक यू। नुसरत, जब आपको ड्रीम गर्ल के लिए अप्रोच किया गया, हाँ, तो आपको बताया गया कि आपका ड्रीम गर्ल में जो है वो लीड रोल है, तो आपने एक पल के लिए तो सोचा होगा कि मैं ड्रीम गर्ल लूं। हाँ। फिर जब आपको पता चला कि ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस समय? फिर जो हमारे डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म लिखी है जी, उन्होंने ऐसे मुझे अप्रोच किया था कि हमें इस फिल्म के लिए आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। अच्छा। तो मैंने सोचा माइंड ब्लोइंग, प्यार का पंचनामा, सोनू की रीटू की स्वीटी के बाद किसी ने एक्चुअली मुझे ड्रीम गर्ल मतलब देखा है। राइट। ये फिल्म तो मैं पक्का करूंगी। फिर जस्ट फाइंड आउट के ये भी लड़का ही कर रहा है। अर्चना जी, पता क्या कह रही थी आपके आने से पहले पाजी? कह रही थी आयुष्मान ने इसलिए लड़की का रोल किया है ताकि इनको बस में ना फ्री टिकट मिले, ऐसे बोल रही थी। ये तो डेली वैसे भी बस में आती है ना, तो दिल्ली में मिलती है ना, यहाँ भी हो गया क्या? और ये दिल्ली चली जाती है जहाँ पे फ्री मिलता ना। अर्चना जी, अब तो आप ना बस का पास बनवा लो आप। कब तक कंडक्टर को आंख मार के फ्री में सफर करते रहोगे? आई लव यू अर्चना जी। मेरे को चैनल बोलता है ऐसी बातें किया करो, झूठा, और पैसे काट लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मेरा उन्होंने 650 काट लिया। तो उस हिसाब से वो मुझे दे दिया था उन्होंने। अच्छा, अक्सर ये बोला जाता है ना कि लड़कियां जो होती हैं मेकअप में ज्यादा टाइम लगाती हैं। हाँ। अच्छा, इस फिल्म में आयुष्मान लड़की बने हुए हैं, तो मेकअप में टाइम कौन ज्यादा लगाता था? ऑफ कोर्स, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना, लड़की बनने में बहुत टाइम लगता था। लड़की वाला मेकअप जल्दी हो जाता है, लड़की वाला पहले शेव करो, फिर 6 घंटे बाद दाढ़ी फिर से आ जाती थोड़ी सी, फिर मेकअप उतारो, फिर शेव करो। मुझे भी ये करना पड़ता है। I feel you, bro. है ना, सुबह सुबह अर्चना जी गोरी लगती है, शाम को होते ना हरहारा हो जाता है। मैंने खुद बताया। स्वीट ऑफ यू अर्चना जी, ये 2.5 घंटे लगते थे रेडी होने में। रियली 2.5 घंटे? वाओ। तो और नुसरत कितनी देर में रेडी हो जाती थी? 2 घंटे। हाँ, आधा घंटा लेट सर, बहुत ज्यादा नहीं है। साड़ी बनाने के लिए 2-3 लड़कियां होती थी ना जी, तो इसलिए। अच्छा, लड़कियां आपको साड़ी पहनाती थी? वाओ, तभी फिल्म की, तभी फिल्म की है मैं। नॉर्मली ना लड़कियां यही बोलती कि मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ। 2 मिनट तो ऐसे बोलती जैसे नूडल है, 2 मिनट में तैयार होके आ जाएगी। होती नहीं है ये कभी। 2 मिनट मतलब 2.5-3 घंटे। हाँ। दो घंटे, चलो 2 घंटे पकड़ लो। 2 घंटे के बाद जब तैयार होके आती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती बोलने की। अगर आगे पूछने में कैसी लग रही हूँ, आदमी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे लगा के आएंगी। तो ये बरसों से चला आ रहा है ये। मैं आप सबको बता दूं कि जब आर्टिकल 15 आई पाजी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, आपने बड़ा अच्छा काम किया उसमें। उसमें आयुष्मान ने जो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, तो उसमें हमने सुना कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ दिन पुलिस ऑफिसर के साथ गुजारे थे। पाजी, पूजा बनने के लिए किसके साथ आपने टाइम गुजारा? नहीं, ट्रेनिंग ली होगी पाजी, सिर्फ डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया है। ओह गॉड। अच्छा, उसने कुछ वीडियोस दिखाए थे मुझे। अच्छा जी, जिसमें लड़के लड़कियों की आवाजें निकालते हैं। अच्छा जी, तो वो फॉलो किया खुद, वॉइस मॉड्यूलेशन वर्कशॉप, सारी आवाज आपने खुद निकाली? पूजा निकाली है सारी आवाज। क्या बात है, बट डन वेरी वेल। थैंक यू, वेरी वेल, वेरी नाइस। मैं आपको नुसरत का एक और टैलेंट बताता हूँ, ये ना ऑब्जेक्ट्स के साथ बातें कर लेती हैं। सपोज यहाँ पे केले सेब पड़े हैं या सोफा पड़ा है,
ये किसी के साथ भी बात कर सकती हैं। आपको कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन? We have a great research team of one member. तो बताते रहते हैं। तो जब मुझे पढ़ाई करने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता था, तो obviously पढ़ाई नहीं करती थी मैं 6-7 घंटे। पर्दे, विंडो, मिरर, टेक्सबुक, पेंसिल, पेपर, मैं उनको राहुल बना देती, obviously because growing up शाहरुख खान, राहुल और राज, और मैं कोई भी फिल्म के कोई भी सीन्स, एक्चुअली जैसे कि वो मेरा लव इंटरेस्ट है, मैं सीन्स और डायलॉग्स करती पूरे दिन। वाह, काश हम आपके पर्दे ही होते। तो नुसरत, ये हमारे पास स्टैचू है, आपको राज राहुल समझ के कुछ भी, आपने कोई, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आपने खाली बस थोड़ा ऐसे, थोड़ा लाइट्स डिम हो सकती है, लाइट डिम कर दो। ओहो मूड, नहीं मैं वेट कर रही हूं किसी का। हाँ, ऐसे अनजान के साथ कॉफी पीने, वो भी इस वक्त, ठीक है क्यों नहीं, बट सिर्फ कॉफी पियेंगे या उसके बाद भी? देखो आप, ये आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, काफी देर से यहाँ पे ऐसे ही खड़े हैं। और मैं डायलॉग खुद सोच के, ओके देन। बंदा। माय गॉड। हाउ आर यू ब्रदर? यार आइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, अमेजिंग टैलेंट यार, कमाल का टैलेंट है। कब से खड़े हो? काफी देर से नहीं खड़े हुए थे। माइक नहीं है उनके पास। यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से? यार ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये मैं कैमरा अटेंडेंट का पहले काम करता था। अच्छा। सो मुझे कैमरा बनना था और मैं ऐसे लाइव एक्टिंग देखता था। अच्छा। सो मैंने कैमरा अटेंडेंट जब छोड़ा तो मुझे कोई काम नहीं दिख रहा था, सो मुझे ऑडिशन के लिए टाइम नहीं था। अच्छा। सो मैंने ये काम किस लिए किया, क्योंकि मुझे ऑडिशन के लिए टाइम चाहिए। सो मैं रात को बैंड स्टैंड पे 9 से 1 बजे तक परफॉर्म करता हूँ, और मुझे फॉरेन से आइडिया मिला। फॉरेन में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, पर 9 से 1 बजे तक ऐसे खड़े रहना, तो बीच में एक नंबर वगैरह आ जाए तो कैसे करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता, नहीं होता ऐसा, नहीं होता है। सब पत्थर का है सर। ओए, आई मीन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैं वहाँ पे खड़ा था तो ऐसे ऐसे पंचिंग डायलॉग दे रहे थे आप, सो मैं कभी कंट्रोल नहीं कर रहा था, खुद कांप रहा था। अरे मैं आपका फैन हो गया, आपका यूनिक टैलेंट है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इन्होंने अपना असली टैलेंट तब दिखाया है कि तुम्हारे पंचेस चल रहे थे और ये इसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। दैट इज, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आज बाजी नुसरत की जो पिछली फिल्म थी सोनू के टीटू की स्वीटी, बड़ी कमाल की फिल्म थी, आप बहुत प्यारी लग रही, बड़ा अच्छा काम किया उसने। लेकिन नाम पहली बार मैं आदमी ले नहीं सकता, बड़ा टंग ट्विस्टर सा। आपने तो बड़ी प्रमोशन की होगी, बहुत बार बोला होगा। हाँ, ऐसे बोल बताओ फटाफट। सोनू की रीटू की स्वीटी, 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 आई कैन गो ऑन। वाओ, मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देता हूं, आप बोल के बताओ। अयो, ये नहीं करना चाहिए था। मिस इजी सा है, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनू के सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, समथिंग। गुड जॉब, इजहार कर दिया आपने प्यार का। सोनी के कप्पू, ये है सोनी का कप्पू, कहने का मतलब शादी वगैरह से कुछ नहीं होता, जो स्वीट लड़का है उस पे लड़कियां मरती है। आप जस्ट 10 बार सोने से पहले ऐसा बोलना है, मैं आपके ड्रीम में आ जाऊंगा। सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट। भाजी आपकी लड़कियों में इतनी फैन फॉलोइंग है, आपको पता है आपके लिए किसी ने लेटर भेजा मेरे पास, ये कार्ड। हाँ कार्ड भेजा, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। हाँ जी। हाय आयुष,
तुमने दम लगा के हैशा में जिस तरह अपनी बीबी को उठाया था, मुझे भी अपनी पीठ पे उठा लो। वाह, वो अगर गोनी थी तो मैं दोगुनी हूँ, वो भूमि थी तो मैं पहाड़ हूँ। तुम हाँ कहो तो तुम्हारी पीठ के आने को तैयार हूँ, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अर्चना। अब मुझे बोल दिया करो, ये सब क्यों करते हो आप? ऐसा है कुछ नहीं, ये दूर का सोचती हैं। और पुत्र सब दम लगा के ऐसा ना। हाँ जी हाँ जी। सूटू के टूटू के टीटी सोनू के तीन चार बार जीव कटवा बैठी। मैं जा बुत, मैं जा, मैं जा। आ बुत। आयुष्मान, ये हमारी कम्मो बुआ है दिल्ली से। और ये कम्मो बुआ का निकम्मो भतीजा। आशु, आशु तेरा भाई नहीं आया? वो शक्तिमान, अपार शक्ति, शक्तिमान नहीं अपार शक्ति। हाँ हाँ, शक्तिमान में अपार शक्ति है, तभी तो ऐसे ऐसे करके उड़ता रहता है। मेरे को सच्ची याद है, इतना सा हुआ करता था, पूनम बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी, इतना बारिश ने अर्चना जी बॉम्बे को निकीला किया, जिस इस बंदे ने मेरी गोदी को किया। ए बुआ झूठ बोल रही है। इतना करता था मुझे। बुआ क्यों झूठ बोल रही है? हाँ? तू रहने वाली दिल्ली की, ये पले बड़े चंडीगढ़ में। हाँ तो क्या हुआ पुत्र, गर्मियों की छुट्टियां काटने दिल्ली आया करता था ये। पहली मैं एक बात बताऊं, नुचू मेरी बात सुन, नुचू तो गर्मियों की इतनी छुट्टियां नहीं काटता था जितने लड़कियों के घर के चक्कर काटता। बुआ हाँ, तेरा गले का कौआ बाहर आ जाना तेरा। क्या बुआ बुआ बोल के तू ज्यादा नहीं फ्रैंक हो रही उनके साथ? प्रैंक में प्रैंक तो हुआ करते थे इनके पापा। ओए 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 ओए, पी खुराना भाई साहब। क्या प्रैंक हुआ करते थे अर्चना मेरे साथ। अच्छा, रोज मेरा हाथ पकड़ के इससे मेरी लाइन नहीं चेक करते रहते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब मेरा हाथ छोड़ो, दूसरों का हाथ चेक करो, फिर देखो बन गए ना आज नंबर वन एस्ट्रोलॉजर। वो चंडीगढ़ 17 सेक्टर में ना मैंने और पी खुराना भाई साहब ने क्या गेड़ियां काटी है। ओए ओए, बाइक पे पूरा शाहरुख खान लगते थे, मैं कस के पकड़ लेती थी। वो तो भाई साहब मिले तो उनको कहना कि कम्मो बुआ कहती थी कि वो रोज गार्डन था ना, उसमें छोटे छोटे पौधों को हम पानी दिया करते थे, आज वो पेड़ हो गए हैं। बुआ एक बार बता, अगर इनके पापा तेरे साथ घूमते थे तो फिर तुम इनकी बुआ कैसे हो गई? वो पुत उस दिन हुई जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, ऊपर से पुलिस आ गई। पापा इतने इनके चलाक निकले, बचने के चक्कर में मुझे बहन जी कह दिया। 100 रुपया दे देते तो आज मैं तेरी बुआ नहीं होती। बुआ, क्या करने आई तू यहाँ पे? पुत्र ले, मेरा मेरा आशु आया, मेरी नीचू आई है, इनको आलू वाले पराठे खिलाने हैं। मैंने सच में दा पराठे, मेरे को भूख लगी है। ले पुत्र छिल तो फटाफट आलू बैठ के पुत्र। ले मेरा पुत्र छिल के ना, छिल के इसमें रखना तू, छिले वाले आलू। चल मेरा पुत्र फाड़ ला आलू। है चाकू है? अरे आलू बेटा उबले हुए ना। अच्छा उबले हुए हैं, पुत्र दिखा दे आज। आयुष्मान खुराना एक्टर भी है और आलू भी छिल सकता है। अब ये इतने सुपरस्टार दोनों तुम्हारे लिए आलू छिलेंगे? हाँ तो क्या हुआ, फिल्म में पूरा बदन छिलवा सकता है। नुचू
हाँ मैं तेरे को बात कहनी है पुत्र, मैंने ना ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा था। हाँ तू ना थोड़ी अपनी हॉटनेस पे काम कर। हॉटनेस? हाँ क्यों? वो क्या है ना पुत्र, इसके होते हैं फिल्म में तीन लोंडे लपाड़े, इस पे डाके डाल रहे हैं, क्या वायदा। अगर उन तीनों ने इसको देख लिया होता तो शायद मेरे पास ही आते। बुआ ध्यान से देख, तेरे को लगता है नुसरत की हॉटनेस कम है? वैसे मैंने ना पुत्र एक बात भी कहनी है। क्या? आशु कान पे हाथ रख ले, डैडी की बात है ना। एक डन। खुराना भाई साहब थोड़ा म्यूट कर लो टीवी, पूनम बहन जी ने देख लिया तो क्लेश पड़ जाएगा। जवानी के दिनों में ना पी खुराना साहब मुझे कहते थे कि ना तू ना नुसरत भरूचा, नुसरत भरूचा लगती है। क्यों झूठ बोल रही बुआ? नुसरत आज की लड़की, तू कहाँ अर्चना जी की दाई। तूने पुत्र सुना नहीं, पापा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। उन्होंने मेरा फ्यूचर पहले ही देख लिया था। उनको पता था मेरे जैसी एक हॉट लड़की आएगी फिल्मों में। ये आयुष्मान वैसे तो हमारी बुआ है, लेकिन ये वो ननद जैसी है जो रिश्तों में दरार नहीं डालती आके घर में। क्या हो गया आजकल फैशन है दरार डालना? मैंने लड़की की फिल्म देखी थी, क्या था, किसका टुट्टू था, टुट्टू की छुट्टी की, उसमें ना ये दो दोस्तों में ऐसी दरार डाल रही थी ना, अर्चना बहन जी फिल्म इतनी हिट हो, 1 करोड़ रुपया कमाया फिल्म ने दरार डाल के। हुआ हो गया तेरा? मेरा तो हो गया, लंदन पढ़ने गया, तेरा कब हो रहा? चलती है, हो गया पुत्र मेरा, हो गया। मेरे को जाके ना पराठे भी बनाने और खाने भी है। इनको नहीं खिलाने पराठे? पुत्र ये कोई जरूरी थोड़ी, जो आलू छीलेगा उसको भी पराठे देने। देख इतिहास गवाह है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, लेकिन आज तक अभी शाहजहां ने बोधी पकड़ के फोटो खिंचाई है? लोग ही खिंचाते है ना, बुआ से कुछ सीख। क्या सीखूं? यही कि 15 मिनट में कैसे लाखों रुपए कमा के निकल जाते हैं। आयुष्मान, नुसरत आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं मार्केट में फैलती रहती हैं, स्टार लोग हैं आप, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। आयुष्मान पाजी, एक अफवाह है कि जब से आपने ये रोल किया है आपको गॉसिप करने की आदत हो गई है। पाजी पता है गॉसिप करने की आदत हर एक को होती है। हाँ, किसके साथ करते हो आप वो डिपेंड करता है। बहुत दो तीन लोग होते हैं जिसके आप जी भर के बोल सकते हो। बिल्कुल, आदत तो शुरू से ही थी मतलब, पर लोग लिमिटेड ही हैं जिनके साथ मैं करता हूँ। वेरी ऑनेस्ट आंसर, शुक्रिया। नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह कि आपके जन्म के बाद जब आप रोई तो डॉक्टर को लगा कि नुसरत साहब गा रहे हैं। तो इसलिए आपका नाम नुसरत पड़ा, इज इट ट्रू? आई वुडंट नो, बट मुझे याद नहीं होगा ना, बहुत छोटी होंगी तब तो। हाँ करेक्ट, एक मिनट की होंगी तब। क्या एक्चुअली? तो ये अफवाह मतलब ये मामला बीच में ही है। हाँ, कंफर्म नहीं है। ओके नुसरत, एक अफवाह ये है कि आप नहीं चाहती कि आपका टैटू जो है वो कोई कॉपी करे, इसलिए आप छुपा के रखती हैं। टैटू है? 3 टैटू है। आहा। अच्छा, क्या क्या टैटू है, मतलब क्या बनवाया आपने? एक बटरफ्लाई फेरी है, एक फीनिक्स है, बड़ा सा बर्ड। फीनिक्स मिल्स नहीं, फीनिक्स बाहर का बर्ड है कोई। इट्स अ बर्ड दैट राइजेस आउट ऑफ एशेस, एशेस में से, राख में से, फिर राख में से एक कुछ जीवित होकर निकलता है एज होप एंड like okay. I know international birds, right? I know angry birds. Angry birds, yes. And third tattoo ka naam hai supernova. Supernova. जो एक सितारा बहुत सालों में बनता है और फिर burst हो जाता है ताकि और लाखों सितारे बने. I don't know. I'll tell you. What a पढ़ी लिखी heroine we have. That's nice. पाजी आपके बारे में फायदा कि आप अपनी pocket money के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में भी गाना गाया करते थे।
ये क्या फर्क? ऐसा नहीं था, हुआ ये था कि हमारा थिएटर ग्रुप था. हाँ जी. जब चंडीगढ़ से मुंबई आते थे पश्चिम एक्सप्रेस पंजाब मेल, तो हम सारे जो 10-15 लड़के थे ना, हम 3-4 गिटारिस्ट थे और सब गाते थे ऑलमोस्ट. तो हम गाते थे ट्रेन में और लोग खुशी खुशी हमें पैसे देते थे और इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे. आउटस्टैंडिंग. या या. और टीसी बोलता था कि आपको ना फर्स्ट क्लास में डिमांड आई है आप लोगों की. तो सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास में जाते, एसी कंपार्टमेंट जाते थे और वो पता नहीं कभी 500 रुपए, कभी 100 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे. अच्छा. तो गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा फ्री में बॉम्बे के बाद. नुशरत, आपके बारे में ये फायदा कि आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हैं. जी. तो बोलते हैं कि क्योंकि आप 15 साल की उम्र तक भी अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी, इसलिए आप इकलौती. आई मीन 15 साल. जी हाँ. ओ माय गॉड. बट ये ऐसी सी बात है कि पापा अपना पूरा काम, मतलब काम की जगह पे अपने बेडरूम बना लिया था. तो अच्छा. मम्मी और मेरा बेडरूम बन गया था वो. मैंने okay. स्टील कर लिया था उनका बेडरूम. बड़ा था यार. मोर स्पेस, मोर अलमीरा, मोर प्लेसेस फॉर शूज एंड क्लोथ्स. सो चोरी कर लिया. आपने बधाई हो, देखिए. अब चांस दो, क्या पता. यू नेवर नो. नेवर नो. मम्मा को इकट्ठे बेडरूम भेजो मम्मी पापा. राइट. ओके. उनको एक कविता वाली बुक लेके दे दो. कविता पढ़े. यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अफवाह पाजी. अफवाह ये है कि जो आपकी छाती के बाल हैं वो दाढ़ी के बाल से ज्यादा तेज उगते हैं. ये गलत अफवाह है. पर पाजी आपने कभी नोट किया है, मतलब कितनी नोट किया है? हाँ. दाढ़ी ज्यादा उगती. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अफवाहों को क्लियर करने के लिए. इतना मेरा आदर करने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए. Too much respect मेरे को हैंडल नहीं होते. प्लीज प्लीज बैठ जाइए. मेरे को प्रेशर अब भाई. All right. नहीं. So, लेकिन आपको मेरा बहुत बहुत नमस्ते. आपको भी नमस्ते. सोफा जी, श्रीमान जी, आपको भी नमस्ते. सोफे को श्रीमान कौन बोलता है? ये देखो, ये आदमी कितना गलत है. केबीसी आप देखे अमिताभ बच्चन जी का. Yeah. वो कंप्यूटर का महोदय बोलते है, आपका आपत्ति नहीं निकलता है. आपत्ति नहीं निकलती. मैं सोफा को जरा श्रीमान बोलते है, इसका आपत्ति निकल रहा है. लेकिन सर आयुष्मान जी, आप इधर दोबारा आए, मेरे वो दोनों निकल गए यार. क्या हर्ष और उल्लास. हर्ष और उल्लास निकल गए. मैं बहुत खुश हुए. आप लास्ट टाइम इधर आर्टिकल 15 लाए थे. yeah. आपको शायद पता भी नहीं है, आपका आर्टिकल 17 भी आ गए है. मतलब आर्टिकल 17 मतलब? लास्ट टाइम 15 लेके आए थे, पर नेशनल अवार्ड मिले, पेपर में एक और आर्टिकल आए, फिर ड्रीम गर्ल का एक और आर्टिकल आए, 15+2, 17 आ गए. Yeah, bro. लेकिन सर आपको इससे बड़े नेशनल अवार्ड मिले, कम ऑन, ये खुशी के मौके पे कम से कम मेरा मुंह में कुछ मीठा तो टूसो. मीठा है, मीठा. इट्स क्वाइट स्वीट. दैट्स नाइस. या. लेकिन सर मैं आपका प्रोमो देखे, मैम फिल्म का प्रोमो देखे, फिल्म में आप दोनों का दोनों हीरोइन है, देखे मेरा अचंभे निकल गए यार. अचंभे निकल गए. मेरा अचंभे निकल गए. दोनों हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन है, ये हीरो है, लेकिन ये लड़की बनते हैं. सर आप फिल्म लड़की बनते हैं? हाँ. या. तो ये फिल्म तुमने बनाया कपूर शर्मा? जब लड़का को लड़की बनाने का अद्भुत काम सिर्फ यही कर सकते हैं. आयुष्मान जी को पूजा बना दी है, सिद्धू जी को अर्चना बना दी है. इधर पूजा उधर अर्चना, इतना पूजा अर्चना हो रहा है. कॉमेडी शो में आए कि भक्ति शो में आए? क्या बात. और कुछ बनाना चाहते हैं? बनाना. कुछ बनाना चाहते हैं? अच्छा तू लंदन में रहकर तेरा दिमाग खराब हो जाता है इधर आके. सर आपका फो में आपका एक डायलॉग है yep. कि माँ बनने के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं. दैट्स राइट. लेकिन सर मैं आई शपथ के साथ आपको बताते आए कि एक और काम है जो आप नहीं कर सकते. क्या?
Yeah. Like what? इस आदमी का मुंह बंद। ये आदमी का मुंह बंद हो ही नहीं सकते मतलब सवाल ही प्रेग्नेंट नहीं होते। अबे प्रेग्नेंट नहीं, डिलीवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। डिलीवर। हाँ तो पहला प्रेग्नेंट होएगा तभी पैदा होएगा ना? अच्छा तेरे को एक बात बोली थी। हाँ बोलिए ना। चल निकल यहाँ से। सर ये जो तरीका से मेरे से बात करते हैं, ये मेरे को बहुत वो लगते हैं। क्या? वो सर क्या होते हैं वो? दाल चावल का ऐसा बड़ा बड़ा तेली में लेके आते हो, बड़ा तेली को क्या बोलते हैं? बोरा। हाँ बहुत बोरा लगते हैं मुझे। बहुत बोरा लगते हैं। क्यों रोज बकबक करने आ जाता है फिर? बकबक। मैं इंसान है तो बकबक ही करेगा, मैं घोड़ा थोड़ी है जो तकबक तकबक करेगा। चलो अभी बो हुए, अब थोड़ा बात करेंगे नुसरत से। ऊपर वाला आपको बना है बहुत ही फुसरत से। फुसरत नहीं, फुर्सत होता है। एक बार और मेरे को चौके ना तो मैं अपना बम डिगी डिगी बम लेके तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी। मैं आपको बता रहे मैम, आप बहुत ही ब्यूटी सूरत है। ब्यूटी सूरत? या तो ब्यूटीफुल बोल या खूबसूरत बोल, ये क्या आधा हिंदी आधा अंग्रेज बना फिर? तो तुम इधर आधा लड़का आधा लड़की बना के इतना घुमा रहे शो में लोगों को, मैं कुछ बोला क्या? देखो दोस्त मित्र, जिनका घर पत्थर का होता है ना, दूसरों के घर पर ऐसा शीशा नहीं फेंकते। अबे उल्टा बोल रहा है, जिनके घर शीशे होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पत्थर तुम्हारे है क्या? नहीं ना, शीशा तुम्हारे है? No. नहीं तो तुम्हारा दिक्कत क्यों निकल रहे है? जिसको फेंकना है फेंकने दो, जिसका टूटना है टूटने दो, तुमको क्या है? और अभी देखो मेरे को, और तुम सिक्का है ना, तो फिर पत्थर मेरे होएगे, शीशे तुम्हारे होएगे। अभी इधर देखो, मुआवरा भी सही है, मौका भी सही है, मेरा हिंदी भी सही है। बात कर रहे है यार। मैम मैं आपको बोल रहे थे, मैं आपका एक फिल्म देखने का बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसको देख ही नहीं पा सक रहे थे। देख नहीं पा सक रहे थे? क्यों? कौन सी फिल्म नहीं देख पा सक रहे थे? आपका फिल्म आई थे सोनू ऐसी थोड़ी थी पीते। अगेन अगेन अगेन। कौन सी? सोनू दे ट्विटे पीते। नो नो, इट लाइक सोनू दे ट्विटे ट्विटे। सोनू दे ट्विटे दे ट्विटे। सोनू दे ट्विटे दे ट्विटे भाई। सोनू के टीटू की स्वीटी। वोए। वही कौन सी? सोनू दे ट्विटे दे ट्विटे। मैं बार बार थिएटर में जाते थे मैम, मैं बोलते थे मेरे को सोनू दे ट्विटे दे ट्विटे देखने है, वो बोलते थे क्या देखने है, मैं बोलते थे सोनू दे ट्विटे दे ट्विटे। कौन सी फिल्म? सोनू दे ट्विटे दे ट्विटे। वो मेरे को टिकट नहीं दे रहे, मैं फाइनली पेपर पे लिख के गए, मैं बोला ये देखो ये ट्विटे ये मेरे को देखने है, तभी वो मेरे को टिकट दिए। फिर मैं देखे फिल्म। कौन सी फिल्म? फिर देखने के बाद याद हो गया नाम? नाम भी ट्विटे ट्विटे ट्विटे। मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्विटे 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 में आपके साथ जाती हुए हैं। क्या 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 जाती हुआ? मैं अगर ट्विटे 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 हीरो होते होते मैं होते तो मैं आपको अपनाते, मैं दोस्त को छोड़ देते। सो स्वीट। देखो दोस्त अपनी जगह होता है, प्यार अपनी जगह होता है। अच्छा दोनों जगह होते तो सो कौन रहा होता है? सच्चा ये है कि बच्चा जो है प्यार से पैदा होता है, दोस्ती से पैदा नहीं होता है। ये मैं बहुत ही ज्ञान का बात पहले है आज यहाँ पे। देखो मैं तुमको मुफ्त में राय दे दिए, अभी तुम इस राय का पहाड़ बनाओ। मैं सही में, लेकिन मैं राय बहुत अच्छे देते हैं, बड़ा बड़ा लोग मेरे से राय लेने के लिए आते है। तेरे से कौन राय लेते है? लंदन में मेरा राय लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि तुम मेरे से राय लंदन में लेना चाहते हैं तो लंदन में खड़े रहो, कतार में क्यों खड़े रहो? ये देखो
मेरे को लगता है मेरा राय लेने के लिए किसी फोन किया है मेरे को. Hey, किधर गए? पॉकेट में. Hey, oh my God, लंदन का प्रिंस पॉल पैट्रिक मेरे को फोन कर रहे हैं. ये पॉल पैट्रिक? ना ना देखो अपना पैट्रिक संपत्ति को पकड़ के रखो, जाने मत दो आज से. देखो मेरा बात तू सुन पॉल, तू जानवर पॉल या ब, 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 कोई हाथी पॉल, घोड़ा पॉल, तो कोई जो पॉल ना पॉल, लेकिन लेकिन गलत फहमी मत पॉल दोस्त. तुम्हारा पैतृक संपत्ति तुम्हारा है, पकड़ के रखो. चलो लंदन के बात करेगा, मैं फोन काट रहा है. आयुष्मान ये अच्छा ज्यादा थोड़ा सा ऐसा ही है. ओए अच्छा चल दफा हो जाए यहाँ से. कौन सा दफा हो जाए? 307 302 बताओ मुझे सोनी के ताजी रातें हिंद अभी तुम्हारा चुप क्यों निकल गए? बताओ मुझे. लेकिन सर वैसे फ्रैंकली मेरे को अभी जाने के होए गए, मेरे को एक वीडियो कॉल अटेंड करना है, मुझे ब्रायन लारा दत्ता का फोन आने वाले है. ब्रायन लारा अलग है और लारा दत्ता अलग है. नहीं वो दोनों शादी नहीं किए तो अलग कैसे हो गए? अबे ब्रायन लारा जो है वो क्रिकेटर है और लारा दत्ता जो है वो एक्ट्रेस है. तो उसमें क्या है यार, विराट कोहली भी क्रिकेटर है, अनुष्का शर्मा भी एक्ट्रेस है, लेकिन दोनों शादी किए ना. तो जरूरी थोड़ी ना है कि क्रिकेटर और एक्ट्रेस शादीशुदा हो. अब जैसे धोनी है, उन्होंने एक्ट्रेस से शादी नहीं की है. शादी नहीं की है तो धोनी का बच्चे किधर से आए? अबे मतलब है हीरोइन से नहीं शादी किया, उन्होंने काम लड़की से शादी किया है. तुम आम को भी लड़की बना दिया है. ये देखो कैसा आदमी है यार, अब तक तो इंसान पे था, अभी तुम फ्रूट्स को भी लड़की बना रहा है. चल क्या रहा है दोस्त, भाग यहां से. तू इतना दम लगा के चिल्लाओ नहीं मेरे ऊपर, कहीं तुम्हारा हाइशन निकल जाए. सर मेरे को अभी एक्चुअली जाने पड़ेंगे तो ही चलता है. सर थैंक यू वेरी मच, मैं अभी जा रहा हूं. वो मुलाकात होएगा. ये ब्रो लव यू किंग. ये ब्रो मिलते हैं सर. ये थैंक यू. ये ब्रो आदरणीय दर्शकों, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि आयुष्मान जो है वो लड़की बनके लोगों से बात करते हैं. रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, आइडियाज भी ऐसे ही आते हैं. तो कितने दर्शक हमारे यहाँ पे जो मौजूद हैं जिन्होंने कभी लाइफ में ऐसा किया हो, लड़की की आवाज निकाली हो या उनको किसी लड़की ने बेवकूफ बनाया हो? जी हेलो एवरीवन, हेलो पूजा. पूजा हाय. पूजा ए पूजा. पूजा कहाँ से आई आप? नागपुर. नागपुर से. जी पूजा, सो मेरा तो मजा किसने नहीं लिया है, बट मैंने एक बार मजा लिया है किसी का. हमारा एक्चुअली कजिन्स का बहुत बड़ा ग्रुप है. अच्छा जी. तो मेरा एक छोटा कजिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था गर्लफ्रेंड बनाने के लिए. अच्छा जी. तो हमेशा मेरे भाई को बोलता था, भाई यार कोई पटा देना यार. अच्छा. भाई कोई जमा देना यार. तो मेरा ये भाई है, एक दिन उसका फोन आया, हम दोनों साथ में बैठे थे. मैंने बोला यार ये स्यापा खत्म करते हैं. तो हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एक कॉमन फोन था दोनों के पास, जो नंबर नहीं था उसके पास. अच्छा. सो मैं उससे बात करती थी कि हेलो यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम, मुझे मिलना है तुमसे एक बार. ऐसे काफी टाइम तक मैंने उसको पूरा भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ. फिर और इसके बाद दिन में ये सब सीन चला, फिर रात में मेरे भाई ने किरदार निभाया जो ये बताएगा. हेलो एवरीवन. हाय राज. हेलो मैम. हाय. तो जैसे राज आपका नाम ना? विक्की. विक्रम. विक्की. पूजा सारे मेरे कैरेक्टर्स ही हैं तुम्हारे. हां एक्चुअली. हां भाई विक्की. या फाइन सर. अच्छा तो फिर क्या हुआ? दीदी तो दिन में बात कर लेती थी, रात में अपन बात करते कंबल वंबल ओढ़ के बिल्कुल आराम से प्यार से. नहीं वो तो ओढ़ता था इसलिए क्योंकि उसको लगता था लड़की का फोन है. मैं भी. आप कंबल ओढ़ के क्या करते थे? आवाज वैसे लगनी चाहिए लड़की बात कर रही है. अच्छा जी. तो अब क्योंकि रात है, रातों रात होती है, थोड़ा रोमांटिक हो जाया करता था मैं. अच्छा. वाह विक्की. बात ऐसे ही करता था मैं जैसे हाय बेबी क्या कर रहे हो. तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी बात ले करते करते जस्ट मैंने कहा कि बेबी सुनो सुनो लगता है पापा जाग गए, मैं आपसे दूसरे कमरे में जाके दो मिनट में बात करती हूँ. ये जो आपने ऐसी आवाज निकाली वो लड़का तो 5 मिनट में जवान हो गया होगा. वाह. तो फिर उसके बाद उसकी ऐसी हमने 3-4 महीने तक काफी मजा ली. फिर फाइनली मतलब मेरे भाई की शादी हुई थी तो वहाँ पे हमने जैसे ज्वाइन फैमिली हमारी तो पूरे ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे उसकी पोल खोली, कहा कि भाई कोई और नहीं है, दिन में बात करने वाली दीदी थी, रात में बात करने वाला मैं था.
उन्हें चप्पल उठा के नहीं मारी हाँ इमोशनल होगा रो दिया था बंदा क्या होता सच्चा प्यार करने लगा वो यार अब्बा उसके बाजू और चेक किया नाम तो नहीं लिखा था उसने नहीं वहां तक नहीं पहुंचा था वाह यार बड़े मजेदार हो आप दोनों कजन शटर हो गई यार शुक्रिया विक्की थैंक यू पूजा थैंक यू सो मच थैंक यू और कोई हमारे दोस्त अरे पाजी की हालचाल वेलकम सशिकाल सशिकाल पाजी की हालचाल जी बढ़िया बढ़िया आप कैसे हैं हेलो सशिकाल जी हेलो मैम सशिकाल जी तो नुशरत से नहीं हेलो करनी हेलो मैम हाय हां जी सर कभी कभी ना हंसी मजाक में जी मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है उसका एक मैं किस्सा सुनाता हूं 2003 की बात है अच्छा जी मेरा एक फ्रेंड था पाली पाली वो ऑस्ट्रेलिया में चले गया अभी अच्छा जी उसकी हाइट थी 6 फीट उसके साथ कोई लड़की पढ़ती नहीं थी अच्छा मेरे साथ उस वक्त 3-4 लड़की सेट थी सेट थी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था कहता है यार तेरे साथ सेट है मेरे साथ कोई सेट नहीं मैंने उसको एक आइडिया दिया भी तूने एक मोबाइल ले ले उस वक्त मोबाइल बहुत मुश्किल मिलता था हाँ जी तो लड़की सेट हो जाएगी उसने क्या किया जुगाड़ लगा के मोबाइल ले लिया और मैंने सोचा यार इसका कुछ काम बनाना वो मेरे पास आया भी अब सोच मेरे बारे में मेरा एक और दोस्त था वो लड़की आवाज निकालता था अच्छा जी हमने 10 दिन उसके साथ लगातार बात की उसको पूरा फ्लैट कर दिया लड़की के हिसाब से अच्छा वो पूरा सेट हो गया उसको बताया कि मैं बैंक में काम करती हूँ तुम मेरे बैंक में बाल मिलने आ जा अच्छा उसको बताया मैं 4 बजे बाहर निकलूंगी मेरे को मिलना वो 3 बजे बैंक के बाहर खड़ा हो गया 5 बज गए लड़की नहीं आई हम 5 दोस्त उसके साथ पहुंच गए मैं कहा यहाँ क्या कर रहा है यार मैंने लड़की सेट की वो बाहर नहीं आई मैं कहा बेटा लड़की क्यों नहीं थी हम भी थे उसने क्या किया वहां से लकड़ी उठाई और मेरे को मारने लगा ये मेरी फिंगर टूट गई उस वक्त बहुत महंगा पड़ा वो मजाक चिच्ची उंगली तोड़ दी सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था हम आपका था ना मैथ का एक क्वेश्चन है आपसे पूछना चाहते हैं मेरे से किसी ने आपको मेरे नंबर बताए होंगे पक्का पहले नहीं नहीं हम 3 जीजा आए हैं 3 साल आए हैं अच्छा टोटल पर्सन बताइए कितने आए हैं 3 जीजा 3 साल यार ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है मतलब ऐसे ही बोल देता हूँ वैसे मैं ज्यादा सोचा नहीं 6 लोग 4 सर 4 हमने 4 में टेस्ट किए कैसे किए ये मेरे जीजा जी हैं अच्छा जी ये मेरा साला है ये इसका साला है ये कंटिन्यूस साला जीजा 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 3 जीजा 3 साला मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया तो उनके साले आप हाँ जी आपके ये और ये इनका कोई साला नहीं आगे बैठा नहीं हुआ कोई हाँ तो 3 साल 3 जीजा हुए ना करेक्ट 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 कितने सालों से आप साथ में घूम रहे हो साथ ही रहते हैं और इसी ऑर्डर में हाँ जी सो क्यूट एक मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ आई सो स्वीट ऑफ यू की लाए पाजी ले आ रहे जी ले आ रहे रे ले आ रहे जी ए की पाजी तेरा तेरा सोनीटी वास्ते So sweet. Thank you, Baji. Baji, thank you so much for the beautiful gift. Baji, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ये जो आपने टी-शर्ट पे लिखा हुआ तेरा हट्टी हाँ जी तो ये क्या कॉन्सेप्ट है क्यों है ये एक ना हमने एनजीओ शुरू किया है जलंधर में हाँ पहले तो छोटा सा अब बहुत बड़ा हो चुका है अच्छा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है हम क्या करते हैं आप जो कपड़े यूज करना बंद कर देते हैं जी अब उन कपड़ों को ले लेते हैं अच्छा उनको वॉश कराते हैं क्लीन कराते हैं उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है wow. जो हैंड टू माउथ है वेरी नाइस वेरी नाइस ये जरूरी नहीं है कि हम उनसे पैसे लें अच्छा जी फ्री में भी दे सकते हैं अगर वो देते हैं तो हमें वो सिर्फ 13 रुपए देते हैं अच्छा जी उन पैसों को हम विडो लेडीज को राशन देते हैं wow. जिस लड़की wow. की शादी नहीं हो सकती शादी wow. करवाते क्या बात है और इस संस्था में सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी से भी डोनेशन नहीं लेते क्या बात है भाई बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग हम बचपन में पढ़ते थे ना कि गुरु नानक साहब ने एक किसी दुकान में जॉब करते थे वो तो जब वो तोल के राशन देते थे तो 13 पे आके रुक गए थे वो तो उनको किसी ने कहा भी कि तुम ऐसे क्यों लुटा रहे हो सब तो बोलते कि सब 13 ही है मेरा इसमें है क्या तो ये बड़ा खूबसूरत वर्ड भी है पाजी पर बड़ा बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हो आप थैंक यू पाजी लव यू शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर मिलने की थैंक यू शुक्रिया थैंक यू आइए और कोई हमारे दोस्त अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो जी भाई साहब हाय कपिल क्या हाल है वेलकम हाय सर मैम हाय मेरा नाम ग्रेट हार्ट है ग्रेट हार्ट व्हाट अ लवली नेम महान दिल व्हाट अ लवली नेम आज से मेरा नाम सेक्सी मैन हैप्पी
Wonderful guy. You can call me wonderful guy. हाँ कपिल सर मेरा एक किस्सा है मैं एक ऑफिस में I'm a... मैं सोच ही जा रहा हूँ कोई इनको ग्रेट हार्ट मेरी बनियान कहाँ रखी है ग्रेट हार्ट आपकी शादी होगी नहीं मेरा शादी नहीं हुई अच्छा स्वीट हार्ट नहीं अभी अभी सीधे ग्रेट हार्ट इतना ग्रेट हार्ट कहाँ लेके जाते हो आप मैं अंडमान से आया हूँ अच्छा बहुत बहुत स्वागत है अंडमान से आप कभी आए अंडमान? हाँ हाँ मैंने डाइविंग किया अंडमान में स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया है। एक मिनट में ये जो स्कूबा डाइविंग का आपने कोर्स किया है उसके बाद क्या जॉब वगैरह करनी है स्कूबा डाइविंग क्यों करती हैं लड़कियां ऐसे कोर्स? नहीं मुझे मजे के लिए। पाजी ऐसा कौन सोचता है कि मैं जाके स्कूबा डाइविंग का कोर्स करूँ? बहुत लोग जाते हैं छोटे लोग जाते हैं मुझे अंडर वाटर का जो एक सन्नाटा है बहुत पसंद आता है इट्स वेरी कामिंग तो आपको वो जानवर दिखते होंगे अंदर से है ना सब दिखे हैं मैंने मालदीव में एक बार किया था वो लगा के जो बाहर तक क्या स्नॉर्कलिंग की थी उस वो डेढ़ दो फीट तक अंदर जाओ हम छह से दस छह से दस या बारह मैक्सिमम फीट अच्छा डाउन भाजी वो बंदा वेट कर रहा है मुझे लगता चले गए होंगे अच्छा मेरा एक फ्रेंड है उसका आवाज लड़की का आवाज है अच्छा मेरा फोन आ जाता है वहाँ पे ऑफिस में तो वो मेरा फोन को लेके जाता फोन करते मेरे फ्रेंड्स को फिर मेरा फ्रेंड्स उसका आवाज पसंद आया अच्छा वो अपना नाम बताया जेनिफर 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 हाँ तो एक बार उसने उसका वाइफ ने पकड़ लिया उसका फोन अच्छा देख किया कि हाँ ये लड़की शायद मेरा हस्बैंड का गर्लफ्रेंड है करके इसलिए उसको अच्छा फिर उसको पकड़ लिया वहाँ से आहिंता प्लीज आप मेरा हस्बैंड को फोन मत करो डिस्टर्ब मत करो उसी समय में हम लोग ये काम छोड़ना पड़ा पर अच्छी बात है आपके दोस्त की आवाज लड़कियों जैसी वो कितने पैसे कमा सकता है Great heart. What a great story. Thank you, sir. Thank you. You're a sweetheart. Thank you. ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मैं बताना चाहता हूँ आपको अच्छा ले बुरी है बताओ बताओ क्या हुआ फिर मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी तो उसके घर पे ना फोन करना होता तो मैं लड़की की आवाज में बोलता था आंटी से कि बात करवा दो क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू वर 14 एंड 15 दैट कास्ट फॉर वे जहां पे आप लड़की आवाज भी लड़की आवाज निकाल सकते हो तो आवाज बदल रही होती तो घंटी छोटी नहीं होती ना उस टाइम पे तो आई यूज्ड टू कॉल फोन करता था उनको और अंकल उठाते थे तो कैन आई टॉक टू आई कांट टेक द नेम ऑफ कोर्स तो एक दो घंटा बात होती रहती थी अगर खुद बन के बात करते तो दस मिनट बाद पापा बोलते थे कि कितनी देर बात क्यों कर रहे हो तो हो जाता था वो हाँ तो आयुष्मान की तरह कोई नजाकत से लड़की की आवाज में बात कर सकता है तो अपना टैलेंट दिखा सकता है जी ओ भाई साहब ने हाथ उठाया दोनों अब बार बार पहले उन्होंने हाथ उठाया वो जिन्होंने वो बड़ी मजेदार अच्छी सी टोपी पहनी है वाह दोनों साथ में ही है आप साथ में अच्छा जी साथ में लग नहीं रहे आप पर साथ में हेलो उस तरफ आ जाइए हाय कैसे हैं आप हाय 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 सर आइए सर इस तरफ आ जाइए आवाज के साथ साथ अदाएं भी दिखानी है आपको हाय हाय आपने तो उतरती दिखानी शुरू कर दी ऑलरेडी दिखानी शुरू तो एक एक करके आपका क्या नाम है मेरा अक्षय पटेल अक्षय पटेल आप साथ में करने वाले कुछ के अलग से नहीं अलग से हाँ अक्षय पटेल जी आप पहले सबसे पहले बताइए करके ठीक है मैं एक लड़की के आवाज में गाना चाहूंगा अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात है पटेल साहब वेरी गुड अक्षय ऐसा लग रहा था कि लड़की का ना किसने गला पकड़ा हुआ है और उसके बाद वो गा रही है पर ठीक है हमें मजा आया सुन के शुक्रिया भाई साहब को देना माइक इनका क्या नाम है मेरा नाम परसराम है परसराम जी आपने काफी अंगूठियां मुठियां पहनी ना चेन भी गले में मछली ऊपर को जा रही है आपकी इधर भी कुछ लगाया हुआ है कपिल जी आप अगर मेरे हो जाएंगे ना तो मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी मेरी किस्मत में यही सब लिखा है ये जो सब नकली अंगूठियां है ना वो असली हो जाएंगी वो कैसे मैं सोने का पानी हूँ आप सोना है हीरा है पारस है आप आप जिसको छू दे वो तो सोना ही हो जाएगा उनको छू दो सर छू दो सर उनका मन करे छू दो छू दो सर दूर दूर से पानी छू दो छू दो उनको सोना बना दो कहाँ है सोना सर ये सोने की हो गई शुक्रिया सर मस्त अदाएं आपने दिखाई अपनी कसम से आप थैंक यू हाँ बाहर सड़क पे ना कभी ऐसे चलना
पीछे लग जाएंगे आपके लोग। जी सर, मैं लेडीज डांस करना चाहता हूँ। अच्छा। लेडीज डांस करना चाहता हूँ। गाना भी हमारा ही लगा दो। हाँ, गाना भी इनका ही हो जाए। बिल्कुल, शुक्रिया सर, धन्यवाद। जो पहले आप चल के आए थे ना, वो लग रहा था मेरे को ना जैसे वो लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। So, अब वक्त है इस शो में एक बार फिर से माननीय श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी को बुलाने का। मैंने रिएक्शन नहीं दिया। So, प्लीज वेलकम मनजोत सिंह। मनजोत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये Thank इतना you, प्यार करते हैं हमसे कि जैसे इनको पता चला कि हमारे शो में आ रहे हैं, फटाफट बड़े भाई की शर्ट पहन के आ गए। बट वेलकम। थैंक यू भाजी, थैंक यू। प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ बैठू, यहाँ बैठू, जहाँ आपका दिल करे। मनजोत, सही सही बताना कि ड्रीम गर्ल की प्रमोशन के लिए आए हो कि सिद्धू साहब ने रेकी के लिए भेजा है? पाजी कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने रेकी नहीं, रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा। अगर अर्चना जी का अगर थोड़ा हो गया तो अब उनका चांस आ सकता है कि नहीं? नो मीन्स नो। मैंने मनजोत को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, फुकरे में, फिर ओए लक्की लक्की ओए में, फिर फुकरे पार्ट टू में। इस फिल्म में बताइए आप, मनजोत क्या कर रहे हैं? मैं पाजी का बेस्ट फ्रेंड बनाऊं। अच्छा। बचपन से जवानी तक साथ आए हैं, खेले कूदे साथ, सोए हैं। सोए मतलब? क्या होते हैं मतलब? साथ साथ खेले कूदे, खाते पीते। उस एक दिन होता है ना, नाइट स्टे कर लिया, स्लीप ओवर कर लिया, उस सेंस पे कह रहा हूँ पाजी। तो वो सोए किए और साथ में अब इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये आवाज़ निकालते हैं, फंसते हैं, तो मैं कैसे हम साथ में निकलते हैं, कवर करते हैं आप? कवर करते हैं, मैं हंसता भी इन पे ही हूँ और साथ खड़ा रह के सॉल्व करने वाला भी साथ में ही करता हूँ। मैं एक ट्रू फ्रेंड जो करता है वो आप करते हैं। मनजोत, आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पाजी दिल्ली से। दिल्ली, तो दिल्ली का छोरा, दिल्ली पंजाबी, मतलब फुल शरारत, 100 out of 100 है? नहीं, 100 आपने किया मनजोत कभी ये सब लड़की के पास बन के किसी अपनी फ्रेंड को फोन किया? नहीं पाजी, मैं वैसे सच बताऊं मैं शरीफ ही था, मेरे से होता नहीं था ये। था मतलब क्या होता? था मतलब हाँ था, अब नहीं हूँ मैं अभी। ओ आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, वेरी गुड। आप नहीं हूँ तो मतलब फिल्मों में आने के बाद अब तो कितनी सारी लड़कियां फोन करती होंगी आपको कि मनजोत आपको उस फिल्म में देखा था, यू वर टू गुड। फिर क्या करते हो आप? जी फोन ही आते हैं बस, और कुछ नहीं होता। कपिल, तेरा हाल है ना? शादी ना करना इतनी जल्दी। नहीं नहीं पाजी, मैं खुश नजर नहीं आता आपको। शादी, अब मैं आपको उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ जिनका ये खुराफाती आइडिया था। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राज शंडिल्या, वो हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां राज के लिए। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। थैंक यू भाजी, थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले तो एक बात जानना चाहता हूँ, ये आइडिया कैसे आया था? मेरे को राइटर है निर्माण। अच्छा। वो ये थॉट के साथ आए कि ऐसा कुछ करें। मैंने भाई पुराना, बहुत पुराना थॉट है ये, इस पे तो लोगों ने बड़े बनाए हुए हैं किससे, और हमने खुद इतना किया कॉमेडी सर्कस में, कितना लड़की लड़की बना के हमने तो। हाँ। अर्चना जी को भी कई बार हमने कितनी बार लड़की कहा है। यही से मारू। तो वो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कहानी, हमने कहा कि चलो कहानी ऐसी कुछ बनाई जाए जहाँ 2 घंटे तक एंटरटेन कर पाए लोगों को, और एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो प्ले कर पाए। तो आयुष्मान ने वो प्ले किया है और आई एम प्रीटी मच श्योर आप सबको बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत मुबारक आपको इसके लिए। थैंक यू पाजी, थैंक यू। आयुष्मान को आप कब से जानते हैं? फिल्म की नरेशन से। अच्छा, नरेशन से, नरेशन के टाइम से। और मुझे जानते हो 2009 से। मेगा पाजी, फिल्म रिलीज के बाद आनी टीवी पे ही है। आप ऑलरेडी पे स्टार हुई, तो मैं कहा आपको अप्रोच करके मतलब क्या फायदा, वो लड़की तो आप कभी बन जाते हो, लड़का कभी बन जाते हो, तो मैं कहा एक ऐसे को बनाया जाए जो कभी बना नहीं बेचारा। हैं, सब अगर चलना चाहिए ना, वो बात ठीक है। मान लेते हैं। शादी कब कर रहे हो? लोगों ने सोच रहा है ये सवाल कैसे पूछ लिया। राज की रानी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, वर्षा, मेरी छोटी बहन है, ये बड़ी प्यारी है। अच्छा। शादी वादी, अब तो तुम डायरेक्टर बन गए हो। मैंने फिल्में ही चक्कर पे की, कोई मान ही नहीं रहा था मैं कर रहा हूँ कुछ। क्या बात, सो प्राउड ऑफ यू। पोछे से फर्श को साफ करो।
अपना के साथ इंसाफ करो, पेटी कोट में आग लगा दो, अपना को इंसाफ दिला दो, पेटी कोट में आग लगा दो, अपना को इंसाफ दिला दो। कप्पू, मैं आज बहुत गुस्से में, मैं बच्चे आए सर पे मारा यार। ये बोतल तो तूने सर पे मारी, यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा था? हाँ तो एक्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है। गोविंदा खानदान से हूँ मैं, रिएक्शन दूंगी चाहे किधर भी तू। मैं ये सब क्या चल रहा है? तू क्या ये कौन पड़ गई इसको फाट करके पड़ गई मलाड के नाना पाटेकर। हम लोगों ने आयुष्मान खुराना जी के खिलाफ धरना डालेला है। क्यों? ये जब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब ये सिर्फ डोनर थे, लेकिन जब से ये सुपरस्टार बने ले इन्होंने लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया है। कौन सा हक छीना इन्होंने? इन्होंने मेरे पेटी कोट पे लात मारी है कप्पू। मेरे पे इन्होंने बायोपिक बनाई, मेरे को बताया तक नहीं। अर्चना जी ए, तेरी कौन सी बायोपिक? उन्होंने तो पूजा का रोल किया है। हाँ तो पूजा हो या सपना हो, दोनों का मेकिंग प्रोसेस एक ही है। मेरे को बहुत हर्ट हुआ है। हाँ तो मेकिंग प्रोसेस भले ही सेम हो लेकिन वो ड्रीम गर्ल लगते हैं, तू ड्रावनी गर्ल लगती है। हाँ तो प्रोड्यूसर लोग उनपे पैसा भी खर्चा करते है। उनका कपड़ा देख मेरा देख। उनकी डिजाइनर नीता लुल्ला, हमारी नीता नल्ला। ऐसा मलाड का 250 रुपए का ड्रेस लाके देंगे तो किधर से अच्छी लगूंगी मैं। मैं आज गुस्से में हूँ भाई। ये कुछ भी बोलती है इसकी बात में। अर्चना जी समझाओ इसको कुछ। अरे उनको क्या बोल रहा है, वहाँ खुद 150-150 रुपए का ड्रेस मांग के पहनती है ये। सपना वो ठीक हो गया, दर्द अभी क्यों हाथ रखा उधर? मैं हर्ट होली है, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं अंदर से। सपना तुझे हुआ क्या, क्यों परेशान इतनी आज? मैं बहुत परेशान हो गई। ये 40 दिन लड़की का रोल किए, इनके साथ फिल्म बना दी। मैं 10 महीने से इधर लड़की बन के आ रही है। तूने आज तक एक वीडियो बनाया मेरे साथ में। तो तेरे में कौन सी लड़की वाली अदा है तेरी? तो आयुष्मान को देख क्या अदाएं दिखाई इन्होंने। आयुष्मान दिखाना पूजा, कैसे बनती पूजा? हेलो, आ देख। मैं पूजा बोल रही हूं। वाह, बजाओ बजाओ ताली बजाओ तुम लोग। नुसरत जी आपको बोलती मैं, आप ताली मत बजाना, ये आपका भी हक छीनेंगे देखना। हर साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है ना, इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड यही लेके जाने वाले, मेरे को मालूम है। कसम खाओ, मेरे सर की कसम खाओ, ये सब फिल्मों में करना, टीवी पे मत करना है। मेरी रोजी रोटी काहे को छीनते आप? पक्का ना? पक्का। कसम से? कसम से। चलो सपना फिक्स से इधर तू कुछ सीख उनसे। सपना कितने क्यूट लग रहे हैं वो, तो तू देख। क्यूटनेस, क्यूटनेस में मैं ओवरलोडेड हूँ। हाय हाय। अरे मैं तो बोलती है एक तरफ ताइमूर को बिठाओ और दूसरी तरफ मेरे को बिठाओ। करीना कपूर ने उल्ले उल्ले करके मेरे को गोद में नहीं उठाया ना, तो सपना नहीं। ये बात अगर सैफ अली खान ने सुन ली, सुन ली। अच्छा तो वो जाके सारा को बोल के ना तुझे सिम्बा से पिटवाएंगे। अच्छा मतलब अगर ये वाली बात सैफ अली खान ने सुन ली तो वो सारा अली खान को फोन करेंगे। वो अपने बिजी शेड्यूल से रणवीर सिंह को फोन लगाएगी जो उधर क्रिकेट की शूटिंग कर रहा है। वो अपना क्रिकेट का गेटअप छोड़ के रोहित शेट्टी को फोन करेगा जो सूर्यवंशी की शूटिंग कर रहा है। और वो अक्षय कुमार को साइड में बिठा के उसको सिम्बा की ड्रेस भेजेगा ताकि वो सिम्बा बन के सपना को पीटे। मतलब तेरी इतनी सी बात के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री काम छोड़ के बैठ जाएगी ना? सपना बैठ कर, मैं गुस्से में हूँ। अरे सपना तू लड़ने के मूड में आई आज? नहीं नहीं ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इनकी पिक्चर आ रही जोरदार ताली हो जाए ऐसे बात की। अपन लोग तो पहले से जानती हैं, मैं आपको जी, आप मेरे दोस्त है कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। आ गई अपनी औकात पे? हाँ तो सपना हूँ, औकात भी आएगी क्योंकि फिल्म में तो पूजा आ गई ली है। तेरे को बाद में देखेगी मैं। खैर नुसरत कितनी खूबसूरत, इनके लिए जोरदार ताली है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ। मेरे को एक गाना सुनना, दमादम मस्त कलंदर।
ए, वो नुसरत साहब थे, ये नुसरत हैं। नुसरत है? हाँ। तो दमादम मस्त कलंदर से। आप ना मेरे को नाला सुपारे में दो दिन के लिए लगेंगे। लगेंगे। उधर कहीं ना एक बॉडी है, कप्पू उसका पंचनामा करना था। तो वो अरे उनकी फिल्म थी प्यार का पंचनामा। तो प्यार से कर दे, क्या प्रॉब्लम है? बॉडी कौन सा स्टेटस डालने वाली है इन रिलेशनशिप विद नुसरत? खैर हाय मंजोत, कैसे जी? बहुत बड़ी, आप अच्छे लग रहे हैं। मैं आप लोग को एक बात बताओ, एक बहुत काम की बात है। आप लोग को मालूम है जब बरसात आने वाली होती है तो पहले बादल आते है ना, और कप्पू डिनर टेबल पे जब मेन कोर्स आने वाला होता है तो पहले स्टार्टर आते हैं। अर्चना जी, सिद्धू जी के आने से पहले मैं बता रही थी ये हमारे गेस्ट नहीं है। अच्छा। ये चेतावनी है, चेतावनी। सिद्धू जी ने खुद की शर्ट भी दी इनको, देख पहनने। बोले यही पहन के जाना, वही पहन के आए, बहुत अच्छे लग रहे। थैंक यू, आई आई मंजू जी, बैठिए। मेरा कप्पू, हाँ, अभी धंधे की बात करती। आई रन पार्लर हियर, ओ सपना ब्यूटी पार्लर भी है। अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आपके लिए मसाज है सोनू के टीटू की स्वीटी मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम लोग सोनू को तेल लगाते हैं। टीटू के मसाज करते हैं और स्वीटी से पैसा लेते हैं, ऐसा करते फिर हमारे पास आपके लिए सर एक स्पेशल मसाज है, ड्रीम गर्ल मसाज। अच्छा। हाँ, ये बहुत, इसमें क्या रहता है, एक लड़का आता है, उन्हें लड़की का आवाज निकलता है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर दूसरा लड़का आता है, वो लड़की की आवाज निकलता है तो उसके साथ फिल्म बना देते। तो पहला वाला जो लड़का रहता है वो क्या अपना छाती पिटना शुरू कर देता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो पहला वाला लड़का क्या करता है, उसको डायरेक्टर पे गुस्सा आता है, वो फिर डायरेक्टर की तरफ देखता है। फिर उसके दिल में एक बात आती है कि पूरी जिंदगी हम लोगों ने तेरे को काम दिया। तो जब तेरे काम देने की बारी आई तो तूने किसी और को ले लिया। कह रहे हाँ, वो डायरेक्टर बन बैठे ले इधर। खैर नहीं, ये तो चलिए मजाक की बात है, हम लोग मजाक बहुत करते हैं, लेकिन दिल से एक बात बोलती है मैं कि टीवी पर आना और टीवी पे नाम कमाना, कप्पू फिर फिल्मों में जाना, फिल्मों में नाम कमाने कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे लिए। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो लेंगे हमारे मंगल सिंह जी। नहीं, अर्चना जी, तेरे को काट दूंगी मैं फोन इसे पिक्चर में। चल आई जा। थैंक यू, आइए आप राज तू लेना उस तरफ से। थैंक यू राज। तो आप सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबकै। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।